यू वॉस गाइज, कैसे हो सभी लोग? वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो गाइज, फाइनली आप सबके दिमाग में हल्क मोड ऐड हो चुका है हमारे गेम के अंदर, और इसका चीट कोड जानने के लिए वीडियो को एंड तक वॉच करना। एंड इस वीडियो में हम लोग ट्राई करने वाले कुछ अमेजिंग मेज। तो चलो, तो सबसे पहले आप तय मिथ रिमोट कंट्रोल जीसीबी को मंगाओ, एंड फिर अपने मोबाइल में जाके स्टिकी बॉम्ब एक्टिव करोगे तो होगा मैजिक। तो चलो गाइस, देखते हैं स्टिकी बॉम्ब एक्टिव करने से कौन सा मैजिक होता है हमारे जीसीबी के अंदर। तो देखो, सबसे पहले हम लोग को ये स्टिकी बैंड को, मतलब हमारा जो स्टिकी बॉम्ब वाला जो ऑप्शन होता है ना, उसको करने से पहले हमें करना होगा कंट्रोल वाला जीसीबी। तो देखो क्या करना, कि आपको सबसे पहले जीसीबी मंगाना है और एक बाइक मंगाना है। आपको ये दोनों को एक साथ गेटिंग करने के बाद आपका जो जीसीबी है वो बन जाएगा रिमोट कंट्रोल, लाइक कुछ इस तरीके से, जैसा कि अभी मैं करके दिखा रहा हूं आपको। अब बट वीडियो को वॉच करो, आपको पता चल जाएगा कैसे करना है। तो और ये चेक करना गाइस, जैसे मैं अभी अपना गन निकालता हूं और अपने जो कैमरा एंगल है उस पर टैप करूंगा, तो देखना जैसे मैं बुलेट फायरिंग कर रहा हूं तो हमारा जो जीसीबी है वो ऊपर का साइड भाग रहा है, लाइक कुछ इस तरीके से। और स्कोप दबा के रखूंगा तो ये वापस नीचे के साइड आ रहा है, लाइक जीसीबी हो गया हमारा रिमोट कंट्रोल। और ये चेक करो, जैसे कि मीट में लिखा हुआ था स्टिकी बॉम्ब वाले पे हम लोग एक्टिव करेंगे तो हमारा जो फर्स्ट वाला कंटेनर है वो अप एंड डाउन होने लगेगा। और इस तरीके से आप अपना जो जीसीबी है उसको पूरा का पूरा टोटली अपने 100 मतलब अपने 100 बोल रहा हूँ सॉरी गाइस, अपने कंट्रोल में कर सकते हो, लाइक कुछ इस जगह से। तो भाई का जो मिथ था गाइस कि आप अपने स्टिकी बैंड को करोगे तो वो आगे जाएगा, तो ये मिथ यहाँ पर होता है टोटली कन्फर्म। एंड अब ट्राई करते हैं हमारा नेक्स्ट मिथ। नेक्स्ट मिथ है मिथ घोस्ट राइडर बाइक को पुलिस स्टेशन के एनपीसी के पीछे वाले ग्लास पर घोस्ट राइडर को टक्कर मारोगे तो एनपीसी पर जल जाएगा। तो गाइस चलो, इसको भी ट्राई करना तो बनता है। तो सबसे पहले देखो, अपनों क्या करेंगे, एक घोस्ट राइडर बाइक मंगा लेता हूँ, एंड हमें क्या करना है, ये बाइक को ले जाके दीवार के आर पर मारना है, देखते क्या वो जलेगा या फिर नहीं जलेगा। और वेट, मुझे उसकी चिल्लाने की आवाज़ प्रॉपर सुनाई दी है, लग रहा है वो उसको बॉडी में आग लग गया है। लेट्स सी, जाके देखते क्या सच में उसका तेरी गाइस, ये चेक करो उसके। वेट यार, मैं तो खुद ही गिर गया अपने हेलमेट से टक्कर खा के। लेकिन गाइस ये देखो, अपना जो बाइक का टायर है वो टोटली आर पार हो गया है, और वो जो एनपीसी बैठा हुआ था वो टोटली जल गया है, मतलब ये वॉल के आर पार चला गया। तो चलो एक बार ट्राई करते हैं क्या ये ग्लास के आर पार जा सकता है, जैसे कि मिथ में लिखा हुआ था। एंड यहाँ पर भी एक एनपीसी बैठा, और ये देखो गाइस ये भी नॉर्मली जल गया है, लेकिन अंदर की बैठी हुई पुलिस को भनक तक नहीं पड़ा। और एक बार मैं और एक दीवार पे जाके मारता हूँ, देखते हो क्या ये जलेगा। और ये देखो, टोटली मैंने यहाँ पर 3 एनपीसी को किल कर दिया, बट फिर भी अंदर बैठी हुई पुलिस को कुछ भी नहीं पता चला, और अभी तक अपने को एक स्टार तक नहीं लगा यार, समझ रहे हो। एंड वेट यार, इसे तो कुछ भी नहीं हुआ, लेट्स सी एक बार और ट्राई करके देखता हूँ। मैंने यहाँ पर भी प्रॉपर वही किया जो वहाँ पर किया था, और ये देखो यहाँ पर मैंने 2 ट्राई कर लिया बट फिर भी यहाँ पर नहीं हो रहा, लेकिन आगे की तरफ हो गया। और वेट, ये देखो ये जल गया। तो गाइस भाई ने जैसा मिथ दिया था, ये मिथ भी होता है यहाँ पर कन्फर्म। एंड अब ट्राई करता हमारा नेक्स्ट मिथ। नेक्स्ट मिथ है मिथ डॉग में बैठने से समय आप स्टिकी बॉम्ब को थ्रो करके डॉग में बैठोगे तो फिर होगा मैजिक, देखोगे। तो चलो देखते कौन सा मैजिक होता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एक डॉग मंगाना होगा, देन हमें क्या करना है, स्टिकी बॉम्ब थ्रो करते हुए हमें इसके अंदर गेटिंग करना है। तो सबसे पहले मैं स्टिकी बॉम्ब हाथ में ले लिया हूँ, एंड थ्रो करते हुए मैं गेटिंग करता हूँ, लेट्स सी देखते कौन सा मैजिक होता है। वेट यार, ये तो अपना मूव, तो गाइस क्लियरली आप देख पा रहे हो ये ऑटोमेटिक मूव कर रहा है, मेरा जॉयस्टिक तक नहीं हिल रहा है, लेकिन ये पीछे के पीछे भाग जा रहा है। तो गाइस यही है क्या मैजिक या फिर ग्लिच? तो मैं एक बार इसको और ट्राई करके देखने वाला हूँ, क्या सच में यही मैजिक है या फिर कुछ और भी होने वाला है। तो इस बार मैं अपने स्टिकी बॉम्ब को थोड़ा दूर फेंक के देखने वाला हूँ, तो इतना दूर ठीक है, और वही टाइम पर मैं गेटिंग करने वाला हूँ। लेट्स सी देखते अब कौन सा मैजिक होता है। और ये चेक करो, ये तो नॉर्मली बस आगे पीछे मूव हो रहा हो, कुछ भी नहीं। वेट, ये देखो गाइस, मैं जैसे जॉयस्टिक को आगे की तरफ ठेल रहा हूँ, आगे के जाने की जगह ये पीछे पीछे भाग रहा है यार, कुछ तो मैजिक हुआ है। वेट, ये देखो यार, ये फॉल बैक मार रहा है। तो गाइस भाई ने जैसे मिथ बताया था मैजिक होगा, तो ये मिथ बताता है कन्फर्म। एंड अब ट्राई करता है हमारा नेक्स्ट मिथ। नेक्स्ट मिथ है मिथ पुलिस स्टेशन के बाहर जाके दो पुलिस वाले खड़े हैं गन लेके, उन्हें टक्कर मारोगे कार से और उन्हें कुछ भी डैमेज वगैरह नहीं पड़ेगा, लेकिन आप घोस्ट राइडर बाइक को लेके जाके मारोगे तो उन्हें डैमेज पड़ने लगेगा। प्लीज़ यूज़ कैन आर घोस्ट राइडर बाइक। तो चलो कैसे इसको ट्राई करना तो बनता है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले एक थार मंगा लेता हूँ मैं सबसे पहले, एंड ये थार से जाके उन्हें टक्कर मार के देखते क्या सच में उन्हें डैमेज पड़ेगा और वो हमें मारने आ रहे हैं या फिर नहीं। तो मैं डायरेक्ट जाके ठोक दिया हूँ इन्हें, लेकिन इन लोग कोई भी मूवमेंट वगैरह कुछ भी नहीं कर रहे। एक बार मैं और ट्राई करने वाला हूँ, और देखते क्या इस बार ये मारेंगे हमें। आगे वाले को मारता हूँ, और ये देखो ऐसा लग रहा है कि ये कोई रॉक टाइप के खड़े हैं। और एक बार मैं क्या करता हूँ, इन्हें गोली मार के देखता हूँ, उससे पहले मैं लगा लेता हूँ भाई इन्फिनिटी हेल्थ, वरना यहीं मुझे लोग ठोक देंगे। तो मैं सबसे पहले इन्फिनिटी हेल्थ लगा लेता हूँ, एंड अब इन्हें मार के
और चेक करते क्या ये मारेंगे या नहीं। एंड देखो वो बाहर से भीतर से कितनी सारी पुलिस भाग के आ रही है और देखता भी ये करके, वेट इनके अंदर इतना पावर कहाँ से आ गया यार, अपने थार को पीछे, भाई कैसा मीत था यार, लेकिन वो हिले तक नहीं। तो गाइस ये मीत भी यहाँ पर कंफर्म होता है एंड आप ट्राई करते हमारा नेक्स्ट मीत। अगर आप पुलिस स्टेशन के पानी के फिल्टर पे जाओगे तो आप उसके आर पार जा सकते हो, लेकिन आप अंदर वाले जेल के फिल्टर के आर पार नहीं हो सकते हो, प्लीज़ टेक माई मीत। तो चलो गाइस इसको मीत भी ट्राई कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं पहुँच गया पुलिस स्टेशन के अंदर और वो देखो सामने की तरफ ही रखा हुआ एक फिल्टर एंड देखते कि ये आर पार जाएगा। और ये चेक करो यार, ये तो इसके आर पार चला गया है। एंड अब ट्राई करके देखते हैं अंदर वाला क्या ये आर पार जाता है और नहीं जाता है। तो ये देखो इसका हैंड वगैरह पूरा बॉडी आर पार जा रहा है और वो देखो अंदर का साइड है एक फिल्टर। और इसके अंदर जाने के लिए गाइस आपको पता होगा कैसे जाया जाता है, आपको ये वॉल के अंदर जाना है एंड 2 से 3 बार जंप करोगे ऑटोमेटिक आप टेलीपोर्ट हो जाओगे जेल के अंदर। और लेट्स सी क्या ये आर पार जाएगा। और ये देखो गाइस ये आर पार तो छोड़ो, ये इसके हाथ भी नहीं जा रहा आर पार। और ये देखो मैं इसके ऊपर ही चढ़ गया, लेकिन वहाँ पर आप नहीं चढ़ पा रहे होगे। तो जैसे कि भाई ने मीत बताया था ये मीत भी होता है यहाँ पर कन्फर्म एंड आप ट्राई करता हमारा नेक्स्ट मीत है स्पॉन ट्रक ट्रॉली साइड ऑफ द ट्रेन एंड सी माई वीडियो। तो गाइस ये मीत मैं आपको टोटल करके दिखाता हूँ। सबसे पहले क्या करना है, एक ट्रॉली मंगाना है एंड ये होगा ट्रक ट्रॉली। और आपको क्या करना है, सबसे पहले देखो अब जैसे पीछे आ रहा हूँ ना गाइस मैं, एंड 1 2 3 ये देखो लाइक ये जो ट्रक ट्रॉली है ना ये आपको खींच रहा है, मतलब आप जितना पीछे जाओगे ना ये ट्रक ट्रॉली भी आपके साथ पीछे आने लगा। और ये देखो किस तरीके से ये आपके पीछे पीछे आ रहा है, तो मैं आपको और एक बार करके दिखाऊंगा। देखो यहाँ पे मैं मंगा लेता हूँ ट्रक ट्रॉली जिसका चीट कोड है 01212 एंड ये देखो मैं जैसे पीछे जाऊँगा ना ये चेक करो गाइस कितने तेज़ी से ये आपके पीछे आएगा। एंड ये देखो ये उड़ गया, लिटरली ये उड़ के चला गया। तो भाई ने जैसा मीत में बताया था सी माई वीडियो में, वो वीडियो देख के ही बना रहा हूँ। तो गाइस ये मीत भी होता है यहाँ पर कन्फर्म एंड अब ट्राई करता हमारा नेक्स्ट मीत में है अपडेट के बाद मॉडिफाई थार की लाइट चेंज हो गई है। क्या सच में मॉडिफाई की थार चेंज हो गई है, चलो देख लेते हैं क्या होता है यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले वो थार मंगा लिया हूँ एंड आपको पता होगा कि हमारा थार भी रिप्लेसमेंट में हो गया है। और ये देखो गाइस जिसको याद होगा हमारा जो ओल्ड थार था उसका लाइट था कुछ ब्लैक कलर का, बट गाइस अभी आप देख पा रहे होंगे हमारा जो न्यू थार है उसका लाइट है कुछ राइट मतलब वाइट कलर का। तो गाइस चेंजेस तो आए हैं और यहाँ पर मैं इसको फोड़ भी दे रहा हूँ। तो गाइस भाई ने जैसा मीत बताया था ये मीत भी होता है यहाँ पर कन्फर्म एंड अब ट्राई करता है हमारा नेक्स्ट मीत है 3 डॉग स्पॉन करो, एक डॉग के ऊपर उसको दूसरे डॉग रखो एंड अपने कैरेक्टर को सेकेंड डॉग पर बैठाओगे तो होगा मैजिक। एंड आप अपने कैमरा पर्सन चेंज करोगे तो आपको देखने को मिलेगा कुछ सीक्रेट मैजिक। तो प्लीज़ ट्राई माय मीत। तो चलो गाइस ट्राई करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, 3 डॉग मंगाना होगा। तो मैं जल्दी 3 डॉग मंगा लेता हूँ, एक ऊपर एक ही मंगाना होगा आपको ये याद रखना। एंड आपको अपना जो कैरेक्टर है वो सेकेंड डॉग के ऊपर जाके बैठा देना होगा। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर 3 डॉग मंगा लिया हूँ एंड अपने कैरेक्टर को सेकेंड डॉग के ऊपर मैं बैठा दे रहा हूँ और दिखते कैमरा एंगल चेंज करके कौन सा मैजिक होता है। एंड वेट यार ये चेक करो यार, ये अपने डॉग का माउथ तक दिख रहा है एंड इसके दांत देखो यार, लिटरली क्या ही डेंजर लग रहा है। और इससे यार ये तो मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया था लेकिन क्रेजी है गाइस, अब भी जाके जल्दी से ट्राई करो एंड बताना कमेंट करके आपको ये मीत पता था या फिर नहीं था। एंड ऐसे ही और अमेजिंग मीत देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो गाइस ये मीत भी यहाँ पर कन्फर्म होता है एंड अब ट्राई करते हैं गाइस हमारा आखिरी मीत जो कि आप लोगों ने बताया था आपको अपने गेम के अंदर चाहिए हल्क मोड। तो गाइस देखो आपको इस गेम के अंदर हल्क मोड चाहिए तो बस आपको एक काम करना होगा, स्क्रीन के ऊपर आपको जो लिखा हुआ दिख रहा है ना एड हल्क मोड, बस आपको यही कमेंट करना होगा इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके। आप जैसे ये कमेंट करोगे ना एड हल्क मोड तो इस गेम के जो डेवलपर है उन्हें तक आपका नोटिस आएगा, तो वो नेक्स्ट अपडेट में आपका ये अपडेट ऐड कर देंगे। तो जल्दी से जाके कमेंट करो हल्क मोड ऐड एंड मैं आपको प्रॉमिस देता हूँ कि आपको नेक्स्ट वीक तक आपको हल्क मोड का अपडेट मिल जाएगा। तो जल्दी से जाके इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लो, चैनल में जाके गाइस लाइक कर दो वीडियो को और जाके जल्दी कर दो कमेंट। बाय।